अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ऐसे फैसल यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं अपने तमाम बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऐसे फैसल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बर मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि आपके पास हमारी मालूमती वीडियोस का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ पहुंचता रहे। प्यारी बहनों और भाइयों, खराटे लेने वाला शख्स खुद तो गहरी नींद में गर्क होता है, लेकिन इसके साथ लेटे शख्स का सुकून और नींद गारत होकर रह जाती है। शादीशुदा जोड़ों के लिए ये मसला खास तौर पर तकलीफ का बाइस बनता है, क्योंकि इसका असर बराह रास्त इनकी अज़्दवाजी ज़िंदगी पर पड़ता है। बरतानिया में की गई हालिया तहकीक में ख्वातीन की बड़ी तादाद ने इसे अपनी अज़्दवाजी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख करार देते हुए ख्वाहिश जाहिर की है कि काश इनके शौहर रात के वक़्त बिस्तर पर ये काम करने से बाज आ जाए। 50% से ज़ायद ख्वातीन का कहना था कि वो अपने शौहर के खराटों से बहुत तंग हैं, और इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि रात के वक़्त इनका शौहर खराटे लेना बंद कर दे। इस तहकीक में ये इंकशाफ भी हुआ है कि शोहरों के खराटे ख्वातीन की सिर्फ नींद ही नहीं ख़राब करते, बल्कि मजमू तौर पर अज़्दवाजी तमानियत में भी वाज़ह कमी कर देते हैं, और बाज़ औक़ात ये मसला आपस में शदीद इख्तलाफात और हत्ता के अलहदगी तक का सबब बन जाता है। नौजवान लोगों की नस्बत बड़ी उम्र के लोगों में खराटों का मसला ज़्यादा पाया जाता है, और ये इसकी वजह से नफसियाती तौर पर ज़्यादा मुतासर होते हैं। तहकीक में शामिल 45 से 55 साल की उम्र के अफराद ने बताया कि शरीक हयात के खराटे इनके लिए बदतरीन मसले में से एक है। उम्र बढ़ने के साथ साथ खराटों का मसला भी संगीन होता चला जाता है, और ख़ासतौर 40 से 60 साल के अफराद इस मसले से ज़्यादा मुतासर होते हैं। जहाँ ख़वातीन ने शोहर के खराटों को अपनी अज़्दवाजी ज़िंदगी का बड़ा मसला बताया, तो वहीं शोहरों की अक्सरियत का कहना था कि कुर्बत से कबल शरीक हयात का परफ्यूम इस्तेमाल कर लेना इनके लिए बदमस्की और परेशानी का सबब बनता है। अक्सर मर्दों का कहना था कि कुर्बत के वक़्त शरीक हयात परफ्यूम इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा हो। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि तमाम देखने और सुनने वालों को पसंद आई होगी। आखिर में मैं अपने तमाम बहन और भाइयों से यह गुजारिश करना चाहूँगी कि आज की इस वीडियो को सबका जरिए समझ कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उस तक में आने वाली तमाम नई वीडियोज़ को देखने के लिए ऐसे फैसल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।